तहसील परिसर में एकत्रित होकर ग्रामीणों ने अपना विरोध दर्ज कराया तथा तहसील में अपनी शिकायती पत्र सौंपा। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि लगभग 20 वर्ष पहले किसानों की भूमि को ले लिया गया था, जिसके एवज में मुआवजा भी दिया गया। मुआवजा पाने के लिए किसानों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और वहीं से न्याय मिला, लेकिन एमडीए के द्वारा 20 वर्ष बाद किसानों पर रिकवरी दर्शाई, जिसकी वजह से किसान परेशान है और आज किसान उस रिकवरी को अदा भी नहीं कर सकता, लेकिन प्रशासन किसानों को जेल भेज रहा है। किसानों ने इसका विरोध किया, सभी ने जिलाधिकारी से मांग की कि एमडीए और जिला प्रशासन द्वारा की जा रही वसूली की कार्रवाई को रोका जाए। साथ ही कहा कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण बोर्ड को पूर्ण अधिकार होता है, इसलिए प्रस्ताव लेकर किसानों की समस्या का समाधान अवश्य किया जाए। किसानों को शोषण बंद करो। मामला हड़तले का है, हड़तला के किसानों का एक मामला है। 27 वर्ष पूर्व ये किसान अपनी जमीन बेच चुके हैं एमडीए मुरादाबाद विकास प्राधिकरण को। अब 27 वर्ष बीत जाने के बाद इस मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने इन पर रिकवरी दिखाई है। एक एक किसान पर दो दो चार चार पाँच पाँच दस दस लाख रुपए रिकवरी का आए हैं। इसमें 7 किसान जेल काट के आ चुके हैं। पिछले लंबे समय से हम लोग शासन प्रशासन से अधिकारियों से बात कर रहे हैं, आज भी हम लोग अधिकारियों से बात करने के लिए आए हैं। डीएम साहब आज है नहीं, डीएमओ कमिश्नर साहब आज हम लोग फिर तहसील आए हैं, तहसील में भी कोई अधिकारी हमें नहीं मिला। हमारी मांगे हैं कि जो अब 21 तारीख को बोर्ड की बैठक हो रही है, इस बैठक में हमारा जो प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव को बोर्ड की बैठक में रखा जाए। ये गरीब किसान हैं, 27 वर्ष बीत जाने के बाद में उल्टा पैसा इन किसानों को देना चाहिए था मुरादाबाद विकास प्राधिकरण को, उल्टा रिकवरी इन पर दिखाई जा रही है और ये सरासर गलत है। हम इन्हीं सब मांगों को लेकर के आज अधिकारियों से मिलने के लिए आए, आज कोई भी अधिकारी से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। 21 तारीख को जो बोर्ड की बैठक है, उस बैठक में हमारा ये प्रस्ताव शामिल हो जाए, इन किसानों का पैसा माफ कर दिया जाए, ये हमारी मांगे हैं। आज इन्हीं मांगों को लेकर के हम लोग आए हैं। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।